सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज आप देखेंगे ऑल न्यू क्रिएटर 2024 फेसलिफ्ट का एक रिव्यू। भाई सामने से इसके ग्रिल देखो, वेन्यू की छेप दी इन्होंने इस बार। साइड से अपनी पुरानी वाली क्रिएटा लगती है और भाई पीछे से अपनी ये लगती है होंडा एलिवेट। अब इसके कुछ अंदर लेके चलते हैं, आपको फीचर्स दिखाते हैं। चलो फिर भाई, ये क्रिएटा के अंदर बैठ चुका हूँ। अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ऑटो फोल्ड पर आपको RVMs मिल जाएंगे और ये पावर विंडो मिल जाएगी आपको चारों। और भाई लॉक अनलॉक, और ये यहाँ से पावर विंडो लॉक का बटन दे रखा है। और यहाँ पे भाई आपको पुश स्टार्ट बटन भी दे रखा है। एक बार भाई इसका ग्रे इंटीरियर चेक करो, काफ़ी अच्छा लगता है। और भाई इसका एक गियर नॉब काफ़ी सही लग रहा है मुझे। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और स्पोर्ट्स मोड भी दे रखा है। पार्किंग का बटन, ऑटो होल्ड और ये वेंटिलेटेड सीट्स, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है फीचर्स। भाई वेंटिलेटेड सीट इसमें सिर्फ आगे ही है, पीछे वेंटिलेटेड सीट नहीं दे रखी आपको। तो ये पीछे भी दे देनी चाहिए थी इनको। वैसे आर्म रेस्ट में देखो भाई, स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है, आप इसमें अपना सामान वगैरह डाल सकते हो अच्छा खासा। और भाई इसके हज़ार लाइट्स यहाँ पे दे रखी है। भाई इसका ये जो डिस्प्ले है ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है ये भी डिस्प्ले वगैरह। इसका जो 360 कैमरा वो भी सही है। और भाई ये कोल्ड ग्लोव बॉक्स दे रखा आपको, ये ग्लोव बॉक्स कोल्ड है बिल्कुल। यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो, यहाँ से कुछ गिरेगा नहीं वगैरह, कुछ भी जो भी होगा। और भाई यहाँ पर दो कप होल्डर्स वगैरह दे रखे आपको, और ये पार्किंग वो दे रखा है आपको पार्किंग व्यू देखने के लिए। गियर नॉब तो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट और भाई आपको चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है, 12 वोल्ट का सॉकेट और एक टाइप सी पोर्ट दे रखा है यहाँ पे। और भाई काफ़ी अच्छी लगती है अंदर से, इसका डिज़ाइन वगैरह इस बार थोड़ा सुधारा है। और इसमें दे रखा है भाई आपको ऑटोमेटिक IRVM दे रखा है, और भाई यहाँ पे टिकट होल्डर दे रखा है, और भाई इसमें सनग्लास होल्डर भी दे रखा है। यहाँ पे आप अपना सनग्लास रख सकते हो, मतलब बजेगा नहीं, ठीक ठाक रहेगा। और भाई नई वाली क्रेटा में वाइट लाइट दिया, भाई सही बात है, ये बात काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और भाई इसमें सनरूफ दे रखी है पैनोरामिक, एक बंदा आराम से निकल जाएगा जिसमें। और भाई उस साइड आपको वैनिटी मिरर दे रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है वो भी, उसमें भी लाइट नहीं है पर उसमें। और भाई इस बार आपको मिलेंगे बॉस के स्पीकर, 6 स्पीकर्स मिलेंगे। और भाई इसमें बूट में भी है स्पीकर, मैं आपको दिखा। इसकी पीछे वाली रो में लेके चलते हैं आपको। पीछे वाली रो में भाई बैठ चुका हूँ, लेग स्पेस ठीक है, हेड रूम भी ठीक है। भाई आपको सनशेड दे रखी है, नॉर्मल आपको पावर विंडो तो दे रखी है। सनशेड वगैरह पे कोई चलान वगैरह कुछ नहीं है भाई, कंपनी दे रही है तो काय बात का चलान। और भाई यहाँ पे आपको यहाँ पे AC विंड्स मिल जाएंगे, दो टाइप सी के चार्जर मिल जाएंगे, चार्जिंग पॉकेट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हो। ये AC विंड इस पर थोड़े सुधारे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये भाई साइड में आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे इसमें आर्म रेस्ट में भी, और भाई काफ़ी अच्छी लगती है इस भाई। भाई 1.5 लीटर का इंजन है भाई पुराने वाला। और भाई इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, आप बताओ कमेंट करके कैसे लग रहे हैं, मुझे तो ठीक ठाक लग रहे हैं। बाकी भाई इसमें कनेक्टेड टेल लैंप मिलती है, और इसमें हुंडई का लोगो है ना जो, वो बाहर की तरफ नहीं है, इस बार टेल लाइट के अंदर है, आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। बूट स्पेस देखो भाई, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। और देखो भाई जो ऐसे मैं कह रहा था कि बोस के स्पीकर अंदर बूट में दे रखे हैं, और हेलोजन लाइट दे रखी है आपको। स्टपनी वगैरह भी इसी के अंदर दे रखी है, देखो भाई स्टपनी और ये जैक वगैरह सब दे रखा है। तो भाई यही था एक 2024 क्रिएटा फेसलिफ्ट का रिव्यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हो नए रिव्यू में, थैंक यू, बाय बाय। और भाई इसका आपको टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस भी जल्दी आने वाला है, उसके लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही अवेलेबल होगी मैं टेस्ट ड्राइव लेने चला जाऊँगा।